अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को बाइंड कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ, एचटीएमएल के टैग्स के इवेंट्स को। लाइक दिस वन जो हमारा फोकस था वो हमने कल ये काम बेसिकली किया था कि एक बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये एक फंक्शन हमारा लिखा हुआ है। इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी और इसको बाइंड हमने किया था। इस पे पेज में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट एक प्रॉब्लम है इसमें, वो ये है कि ये जावास्क्रिप्ट जो है ये एचटीएमएल के अंदर लिखी हुई है। तो आज के लेक्चर का टॉपिक ये है कि इस ऑन क्लिक के इवेंट को जो ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है एक्चुअली, इसको यहाँ से रिमूव कैसे करना है, और हम कुछ और भी एडवांस चीज़ें भी इसके अंदर लर्न करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है लेक्चर 7 के नाम से। एक नई फाइल हम index.html की इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, और एक प्लेन HTML एज यूजुअल इसके अंदर मैं बाइंडिंग्स के नाम से, bindings.js के नाम से मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैं इनपुट्स ले लेता हूँ और इसको मैं आईडी रख देता हूँ, कुछ आईडीज़ का नाम रख देते हैं। इसका आईडी फॉर एग्जांपल न्यू टू डू रख देते हैं। टाइप इसकी टेक्स्ट है। एक बटन यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ ऐड न्यू टू डू। और यहाँ पे ये एक बटन आ गया हमारे पास। इस बटन का आईडी भी आएगा, कोई आईडी रख लेते हैं इसका, btn ऐड फॉर एग्जांपल एक आईडी रख लेते हैं। इसको पहले हम आउटपुट देखते हैं इसकी, कि इसकी आउटपुट के ऊपर क्या चीज़ पेज हमारा कैसा नज़र आ रहा है। तो इनिशियली जो हमारा पेज है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है कि एक इनपुट फील्ड है, इसका एक आईडी मैंने रखा हुआ है, और एक बटन है जिसका मैंने आईडी रखा हुआ है ऐड न्यू टू डू के नाम से। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे अभी। एक एरर आ रहा है विद स्टेटस 404 नॉट फाउंड, फेवरेट आइकन का वो एरर आ रहा है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब एक जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हमने बनाई है, उसको हम हेड के सेक्शन के अंदर अटैच करवा देते हैं। स्क्रिप्ट एज यूजुअल सोर्स इज इक्वल टू .slash/bindings.js। नाउ आई वॉन्ट के एक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हैंडल एड न्यू टू डू इवेंट, इसको मैंने हैंडल करना है। कंसोल डॉट लॉग हैंडलिंग एड न्यू टू डू बटन। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमने प्रीवियसली काम किया था वो ये था कि ये जो हमारा बटन है, इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर इस फंक्शन का नाम जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया था, को ऐसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इनपुट इस बटन btn ऐड इसके ऑन क्लिक के ऊपर फॉर एग्जांपल हैंडल ऐड न्यू टू डू है, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इस फंक्शन के अंदर सिंपल अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग कंसोल डॉट लॉग के ऊपर एक लॉग प्रिंट हो रहा है। लेट्स सी कि ये लॉग जो है वो हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हमारा लॉग प्रिंट हो रहा है, प्रीवियसली मैंने एरर के ऊपर क्लिक किया हुआ था। हैंडल ऐड न्यू बटन, जैसे ही बटन क्लिक होगा तो वो ये टू हो गया, इसका मतलब ये कि टू टाइम्स सेम टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, तो ये आ गया। तो ये इवेंट बाइंडिंग थी जो हमने कल की थी। नाउ व्हाट आई एक्चुअली वांट इज दिस, कि मैं इसको यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ना हो। होना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बटन को भी फॉर द टाइम बीइंग हम कर लेंगे डू बाइंडिंग्स, इसका मैं ऑन क्लिक लिख लेता हूँ। ऑन क्लिक डू bind बाइंडिंग्स, इस नाम से एक फंक्शन भी होना चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे फंक्शन डू बाइंडिंग्स कंसोल डॉट लॉग हैंडल बाइंडिंग्स। अब
एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने एक डमी बटन लिया है, उसको मैंने डू बाइंडिंग्स का नाम दिया है और मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये इसके ऑन क्लिक के ऊपर भी कुछ नहीं है, ऐड के ऊपर, टू डू के ऊपर, इसके डू बाइंडिंग्स के ऊपर मैंने एक बाइंडिंग अभी की हुई है, जिसको हम फंक्शन है डू बाइंडिंग्स का, उसके अंदर मैंने हैंडल बाइंडिंग्स प्रिंट कराया हुआ है। नो ये वो इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे अंडरस्टैंडिंग के बाद, अभी हम मैं एक्चुअली इसके अंदर बाइंडिंग्स करना चाह रहा हूँ। ओके इसके अंदर आए, फॉर एग्जांपल वो बटन था हमारा, उस बटन का आईडी जो है वो मैंने btn आईडी, ये इस बटन का आईडी है, इसकी बाइंडिंग मैं करना चाह रहा हूँ इस हैंडल एड न्यू टू डू के साथ। वी आर btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कैच एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम उसको आईडी दे देंगे, बटन आ गया btn डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल एड न्यू टू डू। अब दो लाइंस मैंने लिखी हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर तो मैं उस बटन को कैप्चर कर रहा हूँ जो ये वाला बटन है, इसका आईडी है btn एड, जावास्क्रिप्ट ने मुझे डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन कॉल किया है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और btn एड उसको मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास btn आ जाएगा। एंड देन btn डॉट ऑन क्लिक, btn डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये चीज इंटरेस्टिंग है, यहां पे मैं इस फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहा हूं, इसको कॉल नहीं कर रहा, इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं कर रहा, उसका सिर्फ रेफरेंस पास कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि यहां पे मैं एक्चुअल बाइंडिंग्स बाइंडिंग कर रहा हूं कि इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल करना है। देन बिहेवियर देखते हैं इसका क्या है, एड न्यू टू डू कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी इस वक्त इसके साथ बाइंडिंग नहीं हुई, इस पर क्लिक करेंगे तो बाइंडिंग्स इसने हैंडल कर ली है। अब हम ऐड न्यू टू डू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो इवेंट है वो एक्चुअली फायर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसकी जो बाइंडिंग्स हैं, इस बटन की जो बाइंडिंग है वो मैंने यहाँ से निकाल ली है और वो मैंने इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म करने के लिए रख ली है। लेकिन मुझे मैंने ये ऐड किया है अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको कि अच्छा बाइंडिंग्स जो है वो इस तरह से परफॉर्म हो सकती हैं। लेट्स सपोज कि हम इस बटन को यहां से रिमूव कर देते हैं दो बाइंडिंग्स का। इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि दिस फंक्शन जो डू बाइंडिंग्स बाइंडिंग्स जो कर रहा है, इसके अंदर ये दो लाइंस मैंने लिखी हुई हैं, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही थी लाइंस को। डू बाइंडिंग्स फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन तब कॉल होगा जिस वक्त आपकी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लोड हो रही होगी, और लोड होते साथ ही आपके ये लाइन नंबर 10 एनकाउंटर होगा, ये वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी बाइंडिंग्स हो जाएंगी और आप अपनी बाइंडिंग्स को कम्प्लीटली कम्प्लीट कर लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारी बाइंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, एड न्यू टू डू कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमारे पास एक एरर आया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑन क्लिक ऑफ नल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एरर एक्चुअली यहां पे जनरेट हुआ है इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जिस वक्त एग्जीक्यूट हुई है उस वक्त उसे रेफरेंस नहीं मिला इस बटन का, लेकिन पहले तो मिल रहा था। एक्चुअली होता ही है कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ये पहले एग्जीक्यूट हो जाती है उस टाइम से जिस वक्त आपका जो एचटीएमएल है ये इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जिस स्टेज के ऊपर अगर हम बाइंडिंग्स करेंगे तो विल नॉट डू बाइंडिंग्स एज द डॉक्यूमेंट इज येट नॉट लोडेड, ये प्रॉब्लम है अब आपका। तो अब इस स्टेज पे हम इसको कॉल नहीं कर सकते, देन व्हाट वी कैन डू इज दिस कि हम एक इवेंट कॉल करेंगे, इसको मैं यहां पे कमेंट आउट कर देता हूं। विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू डू बाइंडिंग्स, नाउ दिस लाइन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, ये दो दो जस्ट फंक्शंस हैं हैंडल एड न्यू टू डू एंड डू बाइंडिंग्स का। लाइन नंबर 9 के ऊपर विंडो डॉट ऑन लोड है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, किस वक्त एग्जीक्यूट करना है, उस वक्त एग्जीक्यूट करना है जब आपका विंडो का ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका होगा, विंडो लोड हो चुकी होगी उसके बाद। ये उसी वक्त
एग्जीक्यूट नहीं होगा फंक्शन। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या एक्चुअली मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एड न्यू टू डू इन्फो, आपकी परफेक्ट हैंडलिंग हो रही है। इस बटन के क्लिक के ऊपर आपका एड न्यू टू डू जो है वो बटन हो रहा है, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला, और बाइंडिंग्स आपकी एक्चुअली हो रही है। ओके अब कुछ कंसोल पे प्रिंटिंग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग स्टार्टिंग आ गया लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम मैं लिख दूंगा कि मैं बाइंडिंग्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिनिश्ड। ओके पॉज दिस वीडियो एंड गेस कि आपका ये जो फंक्शंस मैसेजेस डिस्प्ले होंगे वो किस ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले होंगे। ऑफ कोर्स पहले स्टार्टिंग प्रिंट होगा, एंड देन क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा। पहले हम आउटपुट देखते हैं। पहले प्रिंट हो रहा है स्टार्टिंग, ओके, फिर प्रिंट हो रहा है फिनिश। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के फौरन बाद ये फिनिश प्रिंट हुआ है। ये जो फंक्शन था डू बाइंडिंग्स का, इसके अंदर मैंने बाइंडिंग्स प्रिंट करवाया था, ये नहीं प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इस वक्त कॉल ही नहीं हुआ। ये फंक्शन तो कॉल हो रहा है फिनिश के, इसके भी एग्जीक्यूट होने के बाद। जो लोग सी से या जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं उनके लिए बड़ा डिफरेंट है। ये एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स हैं, इनको हम बाद में कभी डिटेल में भी देखेंगे। ये फंक्शन एक्चुअली कॉल हो रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये किस टाइम पे कॉल होगा, कितने सेकंड के बाद कॉल होगा फिनिश के, कितने मिली सेकंड्स के बाद कॉल होगा। ये उस वक्त कॉल होगा जिस वक्त आपकी बाइंडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, सॉरी जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका होगा सारा, उसके बाद ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा। और उस वक्त हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस है, और उस वक्त हमारा ये जो रेफरेंस है ये काम करेगा, और हमारी बाइंडिंग्स होंगी। बाइंडिंग्स होंगी तो फिर उसके ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला मैसेज हमारा कॉल थ्रो हो जाएगा। ओके ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए कोड में आपके पास जगह रहे। नाउ इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है और इसमें हमने फंक्शंस भी क्रिएट करना पड़ा है और भी बहुत सी कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने समझना ये है कि आपको एक फंक्शन एट मिनिमम क्रिएट करना है, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आपको बाइंडिंग्स करनी है, बट आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है एनोनिमस फंक्शंस का। इंस्टेड कि आप फंक्शन सेपरेट लिख के उन फंक्शंस को पास करें, क्योंकि इस फंक्शन एक ही दफा कॉल होना है, तो हम उसको एज एन एनोनिमस फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, ये फंक्शन यहीं पे डिक्लेयर होके यहीं पे असाइन हो जाता है ऑन लोड को, और विंडो के लोड होने के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें कोई इनपुट नहीं चाहिए हमें, कोई हमें आउटपुट नहीं चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हमारा काम हो रहा है, एग्जैक्टली हमारा काम चल रहा है। ओके सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको भी एज ए फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है। तो एट मिनिमम आपको करना ये है कि याद कर लें, कॉपी कर लें, आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन पास करना है। जितनी भी बाइंडिंग्स है आपकी वो इस टाइम पे होंगी, डू ऑल बाइंडिंग्स हियर। ओके ये वो हमारा काम है जिसके साथ हम बाइंडिंग्स को थोड़ा इसको क्लीन कर सकते हैं अपनी बाइंडिंग्स को। तो दिस इज द वे जिससे आप अपनी बाइंडिंग्स क्रिएट करेंगे इन सच ए वे कि आपकी एचटीएमएल के अंदर एक्चुअली सिवाय जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के और कोई काम नहीं होगा, और किसी किस्म की जावास्क्रिप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी टोटली एक सेपरेट फाइल के अंदर पड़ी हुई है। इसको मजीद क्लीन किया जा सकता है, इस फंक्शन को भी यहाँ से निकाला जा सकता है, और इसको भी यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल कर देता हूँ। ओके ओके नाउ इस फंक्शन को रीड करें इंटरेस्ट। ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो गया है, आप इसको वापस पुराने वाले फॉर्म के अंदर ले जाएं अगर आपको नहीं समझ में आती है तो। अव्वल तो आनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पहले तो ये कि एक फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस फंक्शन ने कब एग्जीक्यूट होना है,
इस फंक्शन ने तब एग्जीक्यूट होना है जिस वक्त आपका पेज लोड हो चुका होगा। ओके, ये एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है। उस वक्त हमारे पास फिर इसका रेफरेंस भी हमें मिलेगा। ओके, अगला फंक्शन जो है वो यहां से लेके यहां तक है, ये हम पास कर रहे हैं उस बटन को, और ये भी एनोनिमस फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसको अलग भी लिखा जा सकता है और यहीं पे डिक्लेयर करवा के यहां पे भी पास करवाया जा सकता है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस है। नॉर्मली फंक्शंस को हम अलग लिख लेते हैं, बाइंडिंग्स के अंदर हम सिर्फ बाइंडिंग्स करते हैं और इस टाइप की चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। ट्राई करें कोई जो HTML लिखें उसके इवेंट्स को बाइंड करने की कोशिश करें, बाइंडिंग्स को अप्लाई करवाने की कोशिश करें, जिस तरह से मैंने करवाया है कि वो सिर्फ HTML के अंदर होने चाहिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर सिर्फ उसके हैंडलर्स होने चाहिए और बाहर उसके हैंडलर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इसी टू डू की एप्लीकेशन को थोड़ा आगे लेके चलेंगे और कुछ चीज़ें, टैग को ऐड करना, रिमूव करना, करंट टैग के ऊपर जो क्लिक हुआ है उसको हैंडल करना, वो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम jQuery के ऊपर मूव करेंगे।